वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग कुकिंग विद जया। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डोसा में जो आलू की सब्जी डलती है तो किस तरीके से मैं बनाती हूँ एंड एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी इसमें ऐड करने वाली हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा यमी बनने वाली है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड इस तरीके की रेसिपीज अगर आपको देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा ताकि इस तरीके की रेसिपीज़ मैं आपके साथ और भी शेयर कर सकूँ। तो चलिए फटाफट से इसे बनाना देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन चढ़ा दिया है, इसमें मैं रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। तो रिफाइंड ऑयल मैंने ऐड किया है 2 टेबल स्पून। तो तेल अच्छी तरीके से जब गर्म हो जा रहा है, तो तेल अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है, देन यहाँ पर मैंने ऐड की है मस्टर्ड सीड्स। तो यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून ऑफ मस्टर्ड सीड्स ऐड की है, तो ये क्रैकल होने लगी है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून ऑफ चना दाल, 1/2 टीस्पून ऑफ उड़द दाल, तो ये भी अच्छी तरीके से क्रैकल हो रही है। अब मैंने यहाँ पर करी लीव्स ऐड कर दिए हैं, पीनट्स ऐड कर दिए हैं। तो पीनट्स आप अपनी पसंद से जितनी भी क्वांटिटी डालना चाहे, मतलब 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून वैसे डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया है। देन यहाँ पर एक बड़ा प्याज मैंने इस तरीके से स्लाइस कर लिया है एंड इसे ऐड कर दिया है। थोड़ी देर सॉटे करेंगे, जब तक ये हल्का सा पिंक कलर नहीं हो जाता तब तक सॉटे करेंगे। तो प्याज हल्का सा ट्रांसलूसेंट हो चुका है, पिंक कलर आ चुका है। देन यहाँ पर मैंने 1/2 टमाटर ऐड कर दिया है, तो इस तरीके से छोटा छोटा चॉप कर लिया है। देन इसे मिक्स कर दिया है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ सांभर मसाला। तो ये सांभर मसाला ही जो है वो की इंग्रेडिएंट है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है डोसे में। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून ऑफ सांभर मसाला मैंने ऐड किया है। देन 1/2 टीस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर ऐड किया है, अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। 1/2 कटोरी यहाँ पर मैं फ्रोज़न पीस ले रही हूँ, तो वो इसमें ऐड कर दिए हैं। एक बार इसे भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगी पोटैटोज़। तो यहाँ पर मैंने बॉल्ड पोटैटोज़ लिए हैं, 4 से 5 इस तरीके से चॉप कर लिए हैं, मतलब क्यूब्स में कट कर दिए हैं। सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट ऐड करेंगे। देन एक बार मिक्स कर लेंगे इसे। तो 5 मिनट तक हम इस तरीके से चलाएंगे ताकि ये अच्छी तरीके से सारे मसाले हैं जो है मिक्स हो जाएं। एंड आलू को थोड़ा थोड़ा इस तरीके से मैं क्रश कर दे रही हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ कोरिएंडर लीव्स एंड इसे भी एक बार मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर जो डोसा वाली आलू की सब्जी है वो बनके तैयार है एंड बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। बिलीव मी, ट्राई करके देखिएगा, बहुत ज़्यादा यमी लगेगी आपको भी। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। तो चलिए एक डोसा बना के देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने डोसा का बैटर इस तरीके से फैला लिया है तवे पे। तो हल्का सा यहाँ पर मैंने बटर ऐड किया है, देन ग्रेटेड कैरेट्स इसमें इस तरीके से फैला दे रही हूँ एंड जो मसाला तैयार किया है वो बीच में इस तरीके से मैंने लगा दिया है। एंड अब वेट करेंगे ताकि डोसा का जो कॉर्नर्स वगैरह है वो पक जाएं। तो यहाँ पर जब भी डोसा बनाएं तो ध्यान रखिए फ्लेम हाई रहनी चाहिए हमेशा, कभी भी लो फ्लेम पे डोसा मत बनाया कीजिए। हाई फ्लेम करके ही बनाने से बहुत ही अच्छी क्रिस्पी डोसा बनते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से इसने साइड छोड़ दी है, तो यहाँ पर मैं डोसा निकाल लूँगी अपना, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। आई होप आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।